मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुम्बरा के संजय नगर गांव देवी में नगर सेवकों के कामों की स्थानीय नौजवान युवकों ने पोल खोलकर रख दी है। वैसे तो कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है और कई ऐसे नगर सेवक हैं जो अपने काम जनता को जाकर बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है, वो काम किया है, मगर संजय नगर के इन नौजवान युवकों ने सोशल मीडिया में नगर सेवकों द्वारा नाले और गटर चाली का काम जो नगर सेवकों ने नहीं किया है वो बता रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में फोटो वीडियो वायरल होने के बाद संजय नगर गांव देवी के स्थानीय नगर सेवकों की काफ़ी किरकिरी हो रही है। जनता के सामने बड़े बड़े दावे करने वाले नगर सेवकों के काम कितने खोखले हैं ये संजय नगर की नौजवान युवक दीपक और मोहम्मद ने सोशल मीडिया में खोल कर रख दिया। कहीं गटर का पानी चाली में बह रहा है तो कहीं कचरों से भरा पड़ा है नाला। लगभग 4 साल का वक्त गुजरने को है मगर तस्वीरें गटर नालों की वैसे ही हैं। हालांकि कुछ काम जरूर हुआ है मगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इलेक्शन के पहले ये गटर नालों का काम हो जाएगा या फिर ये चुनावी मुद्दा बनेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपा गिल के और हम सलाम उमरा फाउंडेशन के सभी मेंबर्स यहाँ पे खड़े हैं और हमने पिछले 3 महीने पहले इस गटर का हमने लेटर दिया था प्रभाग समिति में। ये जो गटर पिछले 4 सालों से गायब है, गटर ये लोगों के घर में पानी जा रहा है, ये पानी जाने की वजह से लोगों के घर में कीड़े पड़ रहे, तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हमने लेटर दिया था 3 महीना पहले, तो यहाँ पर फिर भी किसी ने आकर कुछ नहीं किया, सिर्फ कचरा साफ हुआ है और साफ होने के बाद फिर भरता है, फिर वो बहता है, बहते बहते देखो लोगों के घर में पानी जा रहा है इधर से, ये पानी सब लोगों के घर में जा रहा है, तो ये प्रशासन ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लोग पिछले 4 से 5 सालों से तकलीफ में, तो मोहम्मद भाई कुछ कहना चाहेंगे। मोहम्मद भाई जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 1/12/2020 को हमने थाने महानगर पालिका को लेटर दिया था और उनको कहा था कि भाई ये जो गटर है पिछले कई सालों से बना नहीं है और उसकी कुछ फोटोस्कॉपी हमने दी थी उनको, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अभी इस बार जो प्रभाग सुधारणा नीति आएगी थाने महानगर पालिका की वो उसके थ्रू हम लोग ये गटर को बनाकर लोगों की अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन ये प्रभाग सुधारणा नीति आ भी गई और 31 मार्च तक लास्ट डेट मैंने सुना है, तो उससे पहले कैसी बनेगी, तो ये एकदम गैर जिम्मेदारान हरकत की है यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और प्रशासन ने, तो हम लोग ये कड़े लफ्जों में उनके निषेध करते हैं और उनसे हम लोग नाराज है, और इस गंदगी की वजह से कोई बीमार होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो इसके पूरे पूरे जिम्मेदार यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और यहाँ के प्रशासन अधिकारी होंगे, ऐसा हम लोग कहते हैं। थैंक यू।